सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात कर ली जाएगी लॉकडाउन के हवाले से। वज़ीरे आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने इस बात का इज़हार किया है कि लॉकडाउन को मज़ीद उसमें तौसी की जानी चाहिए और मज़ीद उसको आगे एक्सटेंड कर देना चाहिए। इस पर अब क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्या इम्कानात हैं होने के, इसी पर बात करेंगे क्योंकि कल वज़ीर आज़म का इजलास भी है और ये भी यकीन दहानी करवाई है वज़ीर आला ने कि कल जब शामिल होंगे उस इजलास में वीडियो लिंक के जरिए तो अपनी राय से भी आगाह किया जाएगा कि मज़ीद चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। और वजह यह बताई गई है कि डॉक्टर्स ने तजवीज़ दी है कि अगर बढ़ा दिया जाता है एक हफ्ता मजीद इस लॉकडाउन को तो केसेस थमने का नाम ले सकते हैं, केसेस में कमी आ सकती है। और जबकि वजीर आजम ने इस बात का इजहार किया था कि अप्रैल के एंड में केसेस मजीद हो सकते हैं, इस बात का खदशा जाहिर किया गया कि 700 से ज्यादा केसेस अमवात जो है वो सामने आ सके। लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि जिस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं लॉकडाउन का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी लॉकडाउन पर किस तरह है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए सौराब सरकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर। सौराब साहब, जानना चाहूंगा कि ये जो मजीद लॉकडाउन को बढ़ाने की बातें की जा रही हैं वजूहात क्या हैं? कोशिश की जाए दोबारा से सौराब साहब को कॉल पर लेने की। बहरहाल सूबे सिंध में जो लॉकडाउन मजीद बढ़ाने की बातें की जा रही हैं तो उसकी वजह यह बताई गई है कि लॉकडाउन से केसेस में कमी आई है और एक हफ्ता और अगर मजीद बढ़ा दिया जाए लॉकडाउन तो मजीद केसेस थमने का नाम ले सकते हैं। जबकि वजीर आजम ने इस बात की भी जो है इस बात का खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि अप्रैल के एंड में जो लोड है अस्पतालों पर वो ज़्यादा बढ़ जाए, डॉक्टर्स की जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ वो और ज़्यादा टाइमिंग देनी पड़े उनको। इसी पर बात कर लेते हैं। हमने ज्वाइन किया सौराब सरकी साहब ने। सौराब साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा आप ये जो लॉकडाउन मजीद बढ़ाने की बातें की जा रही हैं वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहत ये है कि आप ये देखें कि कराची के अंदर आज एक ही खानदान के साथ लोगों को कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आया है। हमें यही खदशा है कि अगर लोग बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, खुदा न खास्ता अगर ये बात आगे बढ़ी, इसमें केसेस बढ़ जाएंगे, फिर जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं खासतौर पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पता है कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और बड़े बड़े जो पावरफुल ममालिक जो हैं वो भी इसके सामने इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो हमने बड़ी कोशिश की है, सिंध गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको बताया भी था, लेकिन आप ये देखा कि लोगों को ये प्रेशर था कि हमें कोई इमदाद मिलनी चाहिए, राशन मिलना चाहिए और एहसास प्रोग्राम भी हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि राशन वगैरह जब बांटा तो फिर वो एक अगर आदमी होता है इफेक्टिव तो दूसरे में लग जाती है। यही वजूहात तो हैं पूरी दुनिया के अंदर जो ये इसे हमें कामयाबी से हमने सिंध के अंदर आपने रोका, आपने देखा कि लॉकडाउन का बड़ा फायदा हुआ। नहीं तो लॉकडाउन ये कैसा लॉकडाउन है सौराब साहब कि केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं और मईशत भी डूबती जा रही है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर आपकी ये सोच है तो फिर कल ही लॉकडाउन खोल दें जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, फिर देखें वो मईशत तो नहीं बैठनी चाहिए थी। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, इसको राशन मिल रहा है, प्रॉपर तौर पे मिल रहा है राशन, ये बताएं मुझे। सर बिल्कुल मिल रहा है और अल्लाह अकबर सर, अगर है ये बात तो मैं ग्राउंड रियलिटीज बता देता हूँ। आर्मी साथ है, मैंने खुद मैं अभी यहाँ पर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अभी राशन खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ। रात को पूरी रात हम जो है वो कितनी फैमिलीज को अब तक राशन मिल चुका है सौराब साहब? लाखों फैमिली को मिल चुका है, डेली बेसिस पे चीफ मिनिस्टर हाउस पे रिपोर्ट जाती है मेरे भाई। चलिए तो बहुत खूबसूरत बात है, मैकेनिज्म जरा शेयर करना चाहेंगे क्योंकि काफी सारे लोगों से मैं पूछता रहा हूं कि मैकेनिज्म है क्या, किस तरह तकसीम किया जाए। मैं आपको बता देता हूं मैकेनिज्म। हमारे जो वो लोकल काउंसिल्स के जो लोग हैं और वहां पर नोटेबल जो है उनकी एक कमेटी बनाई हुई है,
और वो कमेटी जो है वो जाकर घर 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 जाकर सर्वे करके जो गरीब लोग हैं उनको रिकमेंड करते हैं। रात को 9 बजे से 3-4 बजे तक हमारे साथ पाक आर्मी भी होती है, 3-4 बजे तक 5-6 भी बज जाते हैं पूरी रात ऑपरेशन। अच्छा, करते हैं। हैदराबाद के मेयर ने कहा था एक यूसी के अंदर 170 बैग्स दिए गए, इसमें सदाकत है? सर मेरे 170 हैं या जितने भी हैं पूरे सिंध के अंदर, जहाँ पर ज्यादा शहरी इलाके हैं वहाँ पर ज्यादा दिया गया है, जहाँ पर देहात हैं हमें पता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड वहाँ पर लोग हैं, एग्रीकल्चर से उनको मिल जाता है अभी वहाँ पर। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ थोड़ा, कि एक यूसी के अंदर अगर 170 बैग दिए गए तो क्या 170 खानदान ही रहते हैं या फिर अपने ही अपनों में बांट रहे रेवड़ियां? देखें मैं अभी चीफ मिनिस्टर भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये तो अल्लाह खिला रहा है। आप कैसे एक यूसी को पूरे सिंध गवर्नमेंट नहीं, सबको सर अल्लाह खिला रहा है, रिस्क तो देने का वादा उसने किया है, रियासत की तो कोई जिम्मेदारी है ना, हुकूमत की भी तो। मेरी बात तो सुने ना यार, मेरी बात तो सुने, आपने मुझे लाइन पे लिया है, मेरी बात तो सुने ना। बात यह है कि मुखैर हजरात भी दे रहे हैं, पड़ोसी भी दे रहे हैं, और ये थोड़ी है कि हुकूमत के सिर्फ जो है वो हुकूमत, हम उनको टच कर रहे हैं, उनको कैच कर रहे हैं जहां पर मुखैर हजरात नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपको पता है कि जो जो हमारी एनजीओ है, 13 दिन तक तो मुखैर हजरात ही दे रहे थे ना सबको राशन, उसके बाद आगे भी देंगे। हुकूमत ने जो ऐलान किया है इंशाल्लाह ताला वो घर तक पहुंचेगा और मिलकर इसका भाई मुकाबला कर सकते हैं, कोई हुकूमत अकेली मुकाबला नहीं कर सकती जब तक लोग तावुन मतलब, नहीं मतलब करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है अकेले इस वबा का? हमने बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है, हम कहते हैं लॉकडाउन करें, अगर लॉकडाउन ना लोग नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं कि राशन जो है आप डिस्टेंस से लें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, वो लोग नहीं करेंगे तो हुकूमत कैसे कामयाब होगी मेरे भाई? लॉकडाउन की सूरत हाल से हार चुके हैं, फ्रांस जंग हार चुका है, आप इटली जंग हार चुका है, पूरी दुनिया की ताकतवर जो है मुल्क वो जंग हार चुके हैं, लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अभी भी हमें पूरी यहाँ पर टेस्टिंग नहीं है और खुद ये बता रहे हैं। लेकिन सर शुक्र है खुदा का कि रेशो जो है, हम बात की जो डेथ रेशो है वो बहुत कम है इस मुल्क के अंदर, अगर अगर कंपेयर कर लिया जाए दूसरे ममालिक से। अगर सारा क्रेडिट जाता है तो ये चीफ मिनिस्टर को जाता है, बीबीसी सुने, पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो काम किया है वो तारीखी काम किया है और पूरी दुनिया जो है। अच्छा, ये जो रोके हैं केसेस, ये जो रुके हैं केसेस, इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर को जाता है, और जो केसेस बढ़े हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर उसका क्रेडिट किसको जाता है? आवाम को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम आवाम हम एक साथ हैं। आप ये नहीं, ये भी ऑन कर रहे हैं गवर्नमेंट। देखें बात ये है कि भाई मेरे, अगर हम यहाँ पर सख्ती नहीं करते और लॉकडाउन में हमें लोग कॉपरेट नहीं करते, अभी लोग जो हैं पता है आपको, आप साफ ही हैं, 2-2 हजार अमेरिका में 2-2 हजार लोग मर रहे हैं, 2400 लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ अलहमदुल्ला ऐसी पोजीशन नहीं है। चलिए क्रेडिट की बात कर ली गई है तो सुराब साहब मैं जरा सा कुछ चीजें गिनवाना चाहता हूँ, उसके क्रेडिट बताइएगा कि ओन करती है सिंध हुकूमत या नहीं। जो डॉक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं, उनके पास किट्स मौजूद नहीं है, सेफ्टी किट्स मौजूद नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मास्क जो दिए गए थे जो चाइना से लिए थे 2 लाख मास्क सिंध हुकूमत ने, वो भी तकसीम नहीं की गए, बड़े वसूख के साथ जराए के साथ कह रहा हूँ कि वो सरकारी अस्पतालों में नहीं दिए गए। आप गलत बात कर रहे हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये गई है हर जगह गई है, कुछ इलाकों में जहाँ पर नहीं है वहां पर नहीं गई है, जहाँ पर लोग लड़ रहे हैं आपको पता है कि हमने 3-4 हजार कर्टिना सेंटर जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के पास किट्स मौजूद है, सेफ्टी किट्स मौजूद है, मास्क मौजूद है। मैं मेरी बात तो सुने, किटे बिल्कुल जिला अस्पताल में मैं खुद विजिट किया है, मैंने आप सिमी जमाली से बात कर लें वहां पर किटे विजिट कब किया था? अच्छा जी आखिरी विजिट कब किया था? मैं तो कोई मेरे ख्याल में 18-20 दिन हो गए मैं गया था। मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही है कि मास्क जो है जो चाइना से आए थे वो मास्क नहीं दिए गए, दूसरे मटेरियल से बने मास्क दिए गए। सारे मास्क जो है आप शायद एपी कल ये खबर मैंने अपने प्रोग्राम में ब्रेक किया। मेरी बात तो सुनो ना मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो, पीडीएमए के जो है चेयरमैन उनका आपने नहीं सुना, ये डायरेक्ट जितने भी हॉस्पिटल जो आप गिनवा रहे हैं इनको डायरेक्ट जो किट है वो पीडीएमए की तरफ से जा रहे हैं। सेक्रेटरी सहित को 1 लाख मास्क दिए तो गए थे जी, सेक्रेटरी सहित को इस वक्त 1 लाख मास्क दिए गए थे, वो कहाँ गए? वो सब गए हॉस्पिटल्स में गए भाई। आप यार क्या कह रहे हैं कि मास्क कहाँ गए आप बताएं यार, इस तरह तो नहीं करो मेरे भाई, आप प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी पे, इस तरह तो नहीं करें। सर पहली शिपमेंट आई थी चाइना से, 2 लाख मास्क रखे गए थे, वो मास्क कहाँ गए? सबसे आपको तो बैठ कर अप्रिशिएट करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, आप शुक्र अदा करें। सर मैं जाकर भी नहीं कर पा रहा ना अप्रिशिएट,
मैं जब देखता हूँ गरीबों को और जिस तरह से एक दफा 144 की नाफरमानी हो रही है राशन तकसीम करने में, मैं कैसे अप्रिशिएट करूँ? सर मैं आपको बताऊं, जब गरीब अल्लाह रहम करे जिंदा होंगे तो फिर यहाँ पर फैक्ट्रियां भी चलेंगी, रोड भी चलेंगे और लोग यहाँ पर घूमेंगे। ऐसा हाल नहीं हो कि जिस तरह पूरी दुनिया में हो रहा है उसमें हमारे साथ आप कॉपरेट करें, मीडिया भी कॉपरेट करे। आपने बहुत अच्छा कॉपरेट किया है सर। कॉपरेट करने का मकसद तो ये ही है, इसी वजह से तो आपको प्रोग्राम मिली है। मैं ये कह रहा हूँ ना, आप सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे जो जो अच्छे अच्छे इकदाम किए हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आप हमने कर्टेल किया हुआ है, हमने रोका हुआ है इस वबा को पूरी दुनिया में, जो कंट्रोल नहीं कर पाए। ये तो क्रेडिट की बात नहीं है, इस पे सियासत भी नहीं है। लानत भेजते हैं इस वक्त कोई सियासत करता है। इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला है मेरे भाई, उसमें सब कॉपरेट करें, आप भी कॉपरेट करें। लेकिन ये पेशगोई की जा रही है कि अप्रैल के एंड में अस्पतालों में बड़ा रश लगने वाला है, अस्पतालों की हालत जो है वो खराब होने वाली है। ये बताते हैं हेल्थ सेक्टर ने क्या तैयारी की है, सिंध की बात करो खुसूसन। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो हमें 45 दिन मिले हैं, 45 दिन में पूरी तैयारी की गई है। कर्तीना सेंटर बने, हमें पता था कि ये अभी इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले कह दिया था। आपको पता है कि आज वहां पर लोकल लेवल पे एक बंदा बाहर गया, 6 घर में बेचारे वो आइसोलेशन में से वापस आए तो 7 का पॉजिटिव आया है। आप इसकी जो है सेंसिटिविटी को देखें, इसकी जो है आप पोजिशन को देखें, कितना खतरनाक ये सूरत हो सकती है। इसमें तो ऐसा होना चाहिए पूरी मीडिया सपोर्ट करे। और मीडिया पे कोरोना वायरस के अलावा और चल क्या रहा है मुझे ये बताएं ना, और कैसे सपोर्ट करें मीडिया? और है क्या, और है चाहते क्या है कोई एक्टिविटी? हाँ, और चाहते क्या है कि क्या चले फिर कोरोना के ऊपर ही तो रोजाना प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका मौका ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं 14 दिन और जो है लोग तकलीफ बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह ताला हम ये जंग जीतेंगे, अमेरिका की तरह हारेंगे नहीं। चले तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, राशन तकसीम करने के लिए कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा? ये जो कैंपेन चला रहे हैं आप, ये कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा राशन तकसीम? ये राशन तो 2-4 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा पूरे सिंध के अंदर। पूरे सिंध में 2-4 दिनों में जितना एक एस्टिमेट रखा गया था 20 लाख राशन बैग तकसीम कर लिए जाएंगे। मैं बिलाल भाई आपको ये भी बता दूं कि एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसमें ना सिर्फ मरकज बल्कि उसमें सूबों ने भी अपना हिस्सा डाला है। और मैं आज अपने हल्के की आपको बात बता रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ लें, लोग गए उनको 12-12 हजार रुपए मिले, और 12-12 हजार रुपए मिले तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठ के जब उनको कोई जरूरत होगी। चले वो तो वफाक ने चले वफाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो भी इस वक्त बीच में आ गए एहसास प्रोग्राम लेकर। अच्छा है, वो पूरे पाकिस्तान का मसला है, अगर हम सिंध में तो सिर्फ कंट्रोल कर भी लें, और कल को वो हम कब तक लॉकडाउन करेंगे? फिर बलूचिस्तान से आदमी आएगा फिर सिंध में फैल जाएगा, पंजाब से आ जाएगा फैल जाएगा, खैबर पख्तून से आएगा फैल जाएगा, कराची पूरा। लेकिन ये जो 12,000 रुपए दिए गए ये तो अगले 3 माह के लिए एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो लोगों में दिए गए सर, ये इसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी पैसे डाले, सिंध गवर्नमेंट ने भी अपना हिस्सा दिया, ये भी आप नोट कर लें। सिंध हुकूमत ने क्या हिस्सा डाला इसमें एहसास प्रोग्राम? इसमें जो जितना उसका सूबे के हिसाब से चारों सूबों ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनकी मीटिंग हुई थी वहां पर, कमेटी की मीटिंग हुई जो उन्होंने पैसे। चले मुझे कुछ शिकायतें मौसूल हुई थी डॉक्टर्स के हवाले से, डॉक्टर्स की जो सेफ्टी किट्स हैं या सेफ्टी मेजर्स हैं या फिर अस्पतालों की जो हालत है उस पर क्या स्ट्रेटजी बनाई है? मैं बिल्कुल डॉक्टर के हवाले से मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टरों को, मैं खुद डॉक्टर हूँ, डॉक्टरों के पास वो फैसिलिटीज नहीं है, वो प्रोवाइड अभी पूरे तरीके से नहीं जा रही है। मेरी बात तो सुन लेना, वो नहीं जा रही थी। अभी हमने वहां पर पूरे यूनियन काउंसिल में जो हॉस्पिटल्स है, बेसिक हेल्थ यूनिट और इवन डिस्पेंसरीज और रूरल हेल्थ सेंटर, वहां पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो भी मतलब जरूरियात है वो उनकी पूरी की जाए। और उसके बाद आपको पता है कि हमने सारी ओपीडीज बंद कर दी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल की हमने ओपीडीज बंद कर दी थी, पूरा ना सिर्फ ये पूरा शहर लॉकडाउन था, हॉस्पिटल्स भी लॉकडाउन थे। अभी हम आस्ता आस्ता वो हॉस्पिटल हमने शुरू कर दिए, अब इसलिए शुरू किए हैं कि वहां पर हमने कुछ ना कुछ उनको डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए थे वो वहां पर पहुंचाए भाई। अभी हम इंशाल्लाह ताला पूरा जो भी है इसका पूरा मैकेनिज्म इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टरों, आप सही कह रहे हैं, जब पहले यहाँ पर कोरोना आया तो वहां पर डॉक्टरों के पास ये फैसिलिटीज भी नहीं थी। आपको पता है कि एक दो डॉक्टर इसका मुकाबला करते हुए शहीद भी हुए, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टरों को, उन्होंने बाकायदे डरे नहीं क्योंकि उन्होंने हलफ उठाते हैं,
जब उनकी डिग्री होती है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि किसी और की जान बचे, हमारी जान जाए तो जाए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम डॉक्टर्स को, और सिंध हुकूमत अगर तआवुन कर रही है तो इनको भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये बता दें सर, अब ये लॉकडाउन मजीद बढ़ाया जा रहा है, एक दफा बढ़ाया, दूसरी दफा बढ़ाया, अब ये मजीद तौसीका कहा जा रहा है, कब तक चलेगा लॉकडाउन? एक आवाम को भी जो परेशानी है वो भी हल हो जाए ना, पता चल जाए आपकी डेट क्या है। बिलाल भाई, मैं जो अब मैं चीफ मिनिस्टर को मैं सुन पाया हूँ, समझ पाया हूँ, उसने ये कहा है कि अगर 14 के बाद अगर 7 दिन अगर और हम यहाँ पर लॉकडाउन करें तो फिर ये हम जंग जीत जाएंगे, और उसने प्राइम मिनिस्टर को भी अपील की है। चलिए आगे जाहिर है, ये हुकूमत ही फैसला करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराफ सर की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ये यकीन दहानी करवाइए कि उम्मीद है कि बहुत जल्द लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। अभी लॉकडाउन बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, सिंध हुकूमत राशन तकसीम कर रही है, कितने लोगों को राशन मिल चुका है या फिर कितने लोग इस वक्त अभी मुस्तफीद होने से रह चुके हैं, इस पर भी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड स्टोरी है वक्फे के बाद शेयर करूंगा।